अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित उत्तराखंड में मची हलचल, दून में की थी पदाधिकारियों के साथ बैठक। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 6 जनवरी को आएंगे उत्तरकाशी, भाजपा की विजय संकल्प यात्रा में करेंगे प्रतिभाग। 9 जनवरी को प्रियंका गांधी अल्मोड़ा और श्रीनगर में करेंगी जनसभा। सीएम ने किया नागरिक चिकित्सालय खटीमा का स्थलीय निरीक्षण, मरीजों और उनके तीमारदारों के साथ की बातचीत। आरोपी की गिरफ्तारी पर भाजपा ने घेरा थाना, पुलिस कर्मियों पर लगाए नेताओं के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप, आरोपी लंबे समय से चल रहा था फरार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 6 गुना की गई क्लेम से, फसल बीमा क्लेम मिलने से किसानों में जागा उत्साह, मोदी है तो मुमकिन है बोले किसान। कोरोना के मामलों में वृद्धि आने लगी है और साथ ही उत्तराखंड में चुनावों की गति में भी लगाम लगते नजर नहीं आ रही है, आने वाले दिनों में और भी ज्यादा भयानक रूप ले सकती है ये बीमारी। सरकार द्वारा 1 माह से गन्ने का भुगतान ना होने पर आक्रोशित किसानों ने शुगर मिल गेट पर की तालाबंदी। उत्तराखंड में बदला मौसम, पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिला, प्रदेश में अगले 3 दिन तक बारिश और बर्फबारी होने के हैं आसार। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा का किया गया मसूरी में भव्य स्वागत, मौजूद रहे भाजपा के दिग्गज नेता। ऑपरेशन इस्माइल के चलते सितंबर से दिसंबर तक के माह में कुल 1072 लोगों को सकुशल घर पहुंचाया गया, इसके साथ ही उत्तराखंड पुलिस की 12 टीमों को भी किया गया पुरस्कृत। देहरादून में किया गया क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ, डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ ने बताया लोगों को लोन देना है उनकी प्राथमिकता। सुल्तानपुर में जुल्फाकर की डीजे की दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, चोरी के माल के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। थाना खानपुर में 37 बोतल विदेशी शराब के साथ किए गए 2 युवक गिरफ्तार, पुलिस ने स्कूटी की जब्त। चौबट्टा खाल में आयोजित कांग्रेस जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने साधा भाजपा पर सीधा निशाना, कहा भाजपा हर मोड़ पर विफल साबित रही। उत्तराखंड के मुद्दे, रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक, और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा। देवभूमि के बारे में देवभूमि के वासियों के साथ सिर्फ न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड पर, खबर उत्तराखंड की।